दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। भारत को 100 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी मैच अंतिम ओवर में पहुंच गया, जब भारत को 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। और यहां सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ने कैसे हारा हुआ मैच भारतीय टीम को जिताया, वो सब आपको अंतिम ओवर तक का रोमांच वीडियो में अंत तक बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में से कौन खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए इतना यादगार हो जाएगा, इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। भारतीय टीम ने यहाँ टॉस तो गवा दिया था, लेकिन दोस्तों उम्मीद तो लग रही थी कि भारत को इस मैदान पर जरूर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी जो चुन ली थी। यहाँ पर जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो शुरुआत में फिन एलन ने पहले T20 मुकाबले की ही तरह चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखते ही देखते न्यूजीलैंड की टीम लगातार स्कोर को आगे बढ़ाती चली जा रही थी, लेकिन एक विकेट गिरने के बाद तो मानो न्यूजीलैंड की मानसिकता ही बदल गई इस मैदान पर बल्लेबाजी करने की। यहाँ पर जब फिन एलन को युजवेंद्र चहल ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड आउट किया तो यहाँ मानो विकेटों की झड़ी सी लग गई, क्योंकि डिवॉन कॉनवे, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल और एक नाम और माइकल ब्रेसवेल 6 विकेट गवा चुके थे और स्कोर कितना बना था न्यूजीलैंड की टीम का, मात्र 80 रन। और यहाँ देखते ही देखते 8 बड़े झटके न्यूजीलैंड की टीम को 99 रन के कुल स्कोर पर ही लग गए थे। 20 ओवर में इन पर 100 रन भी नहीं बन पाए। भारत के सामने अब लक्ष्य था 100 रनों का, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये भी जान लीजिए कि भारत की तरफ से आज शानदार गेंदबाजी करवाने वाले रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 2 ओवर ही अपनी पारी के फेंके, 4 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। और इतना ही नहीं, अर्शदीप सिंह ने भी कमाल की गेंदबाजी करवाते हुए 2 ओवर फेंके, 7 रन देकर 2 बड़ी सफलताएं हासिल की। बाकी यहाँ पर हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक हुडा, कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। अब टीम इंडिया के सामने चुनौती थी 100 रन बनाने की, और 100 रन बनाने के लिए मैदान पर 2 धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन की एंट्री हो जाती है। आते से ही पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज छक्के चौकों की बरसात कर देते हैं और टीम इंडिया मैच जीतने की जल्दी में लग रही थी। और यहाँ पर देखते ही देखते भारतीय टीम ने इस पिच की गहराई को समझे बिना ही बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, भारत का नतीजा ये हुआ कि शुभमन गिल के रूप में पहले टीम इंडिया को झटका लगा, और जो कि 11 रन बनाकर ही माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर फिन एलन को कैच थमा बैठे। और शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद फिर दूसरा झटका ईशान किशन के रूप में लगा, जो कि 19 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और 2 बड़े विकेट भारत के 46 रन के कुल स्कोर पर गिर चुके थे। एक समय के लिए तो लग रहा था चलो भारतीय टीम मैच जीत जाएगी, क्योंकि अब रन बहुत कम बनाने हैं। लेकिन दोस्तों, यहां क्या देखने के लिए मिलता है, राहुल त्रिपाठी और सूर्य कुमार यादव, जो कि साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर होते हैं, वो मात्र 4 रन की साझेदारी कर पाते हैं। और उसी बीच राहुल त्रिपाठी 13 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और इस जोड़ी ने उनको ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवाया और ये तीसरा बड़ा झटका भारत को 50 रन के कुल स्कोर पर लगा। और अब टीम इंडिया और भी ज्यादा मुसीबत में आ जाती है, क्योंकि ये पिच जो थी वो अब गेंद को और ज्यादा घुमाने लग गई थी। भारतीय टीम के बल्लेबाज काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिरकार रन बटोरे तो बटोरे कहां, क्योंकि कोई भी जगह मिल नहीं रही थी रन बनाने के लिए और मुकाबला धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन यहां पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को सूर्य कुमार यादव रन आउट करवा देते हैं और ये रन आउट हो जाने के बाद अब टीम इंडिया पर और भी दबाव पड़ जाता है, जहां अब भारतीय टीम को अंतिम ओवर में जीतने के लिए 6 गेंदों में 6 रनों की दरकार थी और मैदान पर कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव मौजूद थे। हालांकि भारतीय टीम को मात्र बनाने तो 100 रन ही थे, लेकिन दोस्तों भारत के सामने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी आज इतनी दमदार थी कि वो मुकाबले को अंतिम ओवर तक लेकर पहुंच गई। और यहां पर अंतिम ओवर करवाने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से ब्लेयर टिकनर आते हैं, जहां अंतिम ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर होते हैं, 1 रन भारत को मिल जाता है। अब भारत को 5 गेंदों में जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत थी। अगली गेंद सूर्य कुमार यादव से छूट जाती है और भारतीय टीम और भी ज्यादा मुसीबत में आ जाती है। हालांकि दोस्तों, अब हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव से बातचीत करते हैं और उनको समझाते हैं कि उन्हें किस प्रकार से मैच को आगे बढ़ाना है। और यहां पर सूर्य कुमार यादव फिर तीसरी गेंद पर 1 रन भागकर हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक थमा देते हैं और चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या शॉर्ट लेंथ की गेंद पर मिड विकेट की तरफ शॉट लगाकर 1 रन भाग लेते हैं। अब भारत को जीतने के लिए 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव का एक कैच भी ब्लेयर टिकनर छोड़ देते हैं। अगर वो कैच और हो जाता ना तो शायद मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती, लेकिन दोस्तों वो तो आज भारत की किस्मत ने साथ दिया कि कोट एंड बोल्ड का कैच ब्लेयर टिकनर से छूट गया। और फिर अगली गेंद डालते से ही सूर्य कुमार यादव ने यहां आगे बढ़कर डीप कवर्स की तरफ चौका लगाकर भारतीय टीम को अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर जीत दिलाई। हालांकि ये जीत
जीत भारत के लिए काफी जरूरी थी और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया 1-1 से सीरीज में अब बराबरी पर आ चुकी है, जहां भारतीय टीम को अब अगला मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है अगर उसको सीरीज अपने नाम करनी है तो। वहीं हम आपको बता दें कि भारत की तरफ से यहां बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या ने 15 रनों की पारी खेली, तो वहीं सूर्य कुमार यादव 26 रन बनाने में कामयाब रहे और इन्हीं की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया आज का ये रोमांचक हारा हुआ मैच अपने नाम कर पाने में कामयाब हो सकी है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया अंतिम ओवर तक का ये मैच आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।